अपने बल बदौलत, अपने बड़े भाई रघुनाथ बाबू जो पूर्व सांसद हैं उनके बल बदौलत इस जिला में हम कामयाब हैं कि हम जहां कहते हैं उनके आशीर्वाद से और हमारे लोगों के आशीर्वाद से हम जहां कहते हैं हमारा सुनवाई होता है। और नहीं होगा तो आप देखे होंगे इसके पहले दीपक आनंद ने जो पूर्व समाहर्ता यहां पर थे, आप दीपक आनंद के बाद आप देखे होंगे यहां के एसपी जो पुलिस अधीक्षक पंकज राज थे उनका हम क्या व्यवस्था किए थे। नहीं सुनवाई होगा तो वही व्यवस्था उन लोगों का भी एकदम समय से जाकर हम यहाँ के जितने पांच आदमी हैं हमारे साथ जाकर हम लोग स्वयं निरीक्षण करेंगे। जहाँ कमी बेसी होगा सरकार से पूरा नहीं होगा तो हम अपने विधि व्यवस्था अपने कोष से उसको देखकर सुनवाई करेंगे। न डॉक्टर रहता है न इस अस्पताल में कोई कर्मचारी रहता है और न ही इस सरकार जो है यहाँ NDA का सरकार का कोई व्यवस्था सही है बिहार में, पूरे बिहार का। हमसे कम से कम हम 20 बार जो सरकार के मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी उनसे हम जाकर मिले हैं, हम बतलाएँ कि कम से कम मसरक बनियापुर जिला का जो अस्पताल है उसमें कम से कम सुधार। देख रहे हैं छपरा अपडेट, अभी हम बनियापुर में हैं और बनियापुर के विधायक श्री केदारनाथ सिंह जी से हम बात करेंगे, उनसे यहाँ के मुद्दों पर सवाल पूछेंगे, अस्पताल की स्थिति जो है उस पर सवाल पूछेंगे, जो भी यहाँ का कार्य नहीं हुआ है उस पर सवाल पूछेंगे, क्योंकि जो हमारे विधायक महोदय हैं उनको यहाँ की जनता ने 4 बार से विधायक चुना है, यानी कि लगभग 20 साल होने वाले हैं, वो तब से मतलब 3 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी जनता ने उन्हें ही विधायक चुना है। तो हम सीधा सवाल जो है विधायक जी से पूछेंगे कि उन्होंने क्या अभी तक यहाँ के लिए काम किया हुआ है। सर नमस्ते सर, आपका सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि कम से कम आप हॉस्पिटल के बारे में बनियापुर जानकारी के लिए मेरे पास पहुंचे हैं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अस्पताल में गए थे अभी हम, वहाँ पे जो एक्सरे भवन है उसका स्थिति इतना ख़राब है कि वहाँ जाने में डर लगता है। अस्पताल के भवन पे बहुत सारा पेड़ उगा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है और उसी में उतना महंगा मशीन रख के और वहाँ का जो कर्मचारी लोग है अच्छे से काम करता है, लेकिन जो मरीज हैं वहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि स्थिति वहाँ की बहुत ख़राब है। सर इस पे आप क्या किए हैं अभी तक? ना ऐसा है कि मरीज तो जइबे करते हैं लेकिन यहाँ पर ना डॉक्टर रहता है न इस अस्पताल में कोई कर्मचारी रहता है और न ही इस सरकार जो है यहाँ NDA का सरकार का कोई व्यवस्था सही है बिहार में, पूरे बिहार का हम बात कर रहे हैं। सर इस पे आप कभी आवाज़ उठाए हैं कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर की कमी है, जो स्टाफ की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, इसका निवारण होना चाहिए? अरे एक बार ना हमसे कम हम 20 बार जो सरकार के मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी उनसे हम जाकर मिले हैं, हम बतलाएँ कि कम से कम मसरक बनियापुर जिला का जो अस्पताल है उसमें कम से कम सुधार होना चाहिए, बार बार हम बोले हैं उनसे। अच्छा मतलब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि आप विपक्ष में हैं अभी, तो जो सामने वाले लोग हैं जो पक्ष में हैं अभी आपकी बातों को सुनते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं? अच्छा ही पहले बतलाइए, आप तो बिहार की स्थिति देखते हैं, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं अध्यक्ष महोदय उन्हीं का जो पुलिस प्रशासन बात नहीं सुनता है और पुलिस प्रशासन जो इस प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी हैं उनका लोग बात नहीं सुनता है। कई एक मंत्री बिहार सरकार के रो रहा है कि हमारा कोई पुलिस प्रशासन कोई शासन का लोग कोई बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हम अपने बल बदौलत अपने बड़े भाई प्रभुनाथ बाबू जो पूर्व सांसद हैं उनके बल बदौलत इस जिला में हम कामयाब हैं कि हम जहां कहते हैं उनके आशीर्वाद से और हमारे लोगों के आशीर्वाद से हम जहां कहते हैं हमारा सुनवाई होता है। और नहीं होगा तो आप देखे होंगे इसके पहले दीपक आनंद ने जो पूर्व समाहर्ता यहां पर थे, आप दीपक आनंद के बाद आप देखे होंगे यहां के SP जो पुलिस अधीक्षक पंकज राज थे उनका हम क्या व्यवस्था किए थे। नहीं सुनवाई होगा तो वही व्यवस्था उन लोगों का भी होगा। सर अस्पताल की स्थिति को थोड़ा सुधरवा दीजिए, इसको थोड़ा आवाज़ आप अपना बुलंद कीजिए ताकि जो यहाँ के लोग हैं, एक तो पहली बात ये है कि 1,30,000 की आबादी पे एक रेफरल अस्पताल होना चाहिए, जबकि बनियापुर प्रखंड की जो आबादी है वो 4 लाख के ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे कम से कम 2 या 3 अस्पताल होने चाहिए। एक अस्पताल है उसमें भी ढंग से कर्मचारी नहीं है और ये गलती अस्पताल प्रशासन की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि हर 3 महीने पर हम लेटर भेजते हैं स्वास्थ्य विभाग में भेजते हैं लेकिन वहाँ पर सर कोई नहीं सुनता है। ना ऐसा बात नहीं है, कभी भी प्रभारी हमको लेटर का कॉपी तो भेज दे, हम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं हमको कम से कम देना चाहिए उसका कॉपी लगाकर हम
अपने पैड पर लिखकर हम सरकार में देते, नहीं होता तो हम फिर सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठाते। सर, आप एक बार प्लीज़ थोड़ा सा बनियापुर अस्पताल के निरीक्षण खुद से कीजिए, उसके बाद सर आप देख। एकदम समय से जाकर हम यहाँ के जितने 5 आदमी हैं हमारे साथ जाकर हम लोग स्वयं निरीक्षण करेंगे। जहाँ कमी बेसी होगा, सरकार से पूरा नहीं होगा, तो हम अपने विधि व्यवस्था अपने कोष से उसको देखकर सुधार करेंगे। सर यहाँ पे अस्पताल छोटा है, लोग कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। ना ना, बनियापुर विधानसभा के लोगों को अपने प्रतिनिधि यानी हम पर भरोसा है, विश्वास है, उस भरोसा विश्वास को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधायक महोदय हैं, इन्होंने बताया कि अगर सरकार जो है हमारी नहीं सुनती है, सरकार इसको बनियापुर अस्पताल को ठीक ढंग से नहीं बनवाती है, तो हम अपने पर्सनल फंड से इसका निर्माण कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई प्रतिनिधि जो है आपके सामने कैमरे पे कह रहा है कि हम अपने पॉकेट से बनवाएंगे और निरीक्षण भी करेंगे। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं ऋषभ छपरा, अपडेट के कैमरे के पीछे बिल्कुल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।